हरियाणा में आज सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल थी, जिसको देखते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया है, जिसके चलते अब हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मी 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह कदम कोरोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक समूह द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण उठाया गया है। सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में डॉक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया है। लेकिन जिस तरह से आपने भी पहले उनसे मुलाकात की थी, कल भी मुख्यमंत्री के आवास पर आपकी फिर से मुलाकात हुई, तो क्या सहमति नहीं बन पाई? हमने जो उनकी मांगे थी मैंने उसी वक्त स्वीकार करके वो मुख्यमंत्री जी के पास और अन्य विभागों के पास भेज दी थी। हमारा सकारात्मक रुख था और कल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होने के बाद उनकी सिद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई थी। अब कोई नई चीज़ करनी है तो कई विभागों में जाती है फाइल, उसमें समय भी लगता है। सिद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और उनको बातचीत करने के लिए डीएस देसी और राजीव अरोड़ा जी 2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे। उनको बता दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि चाहे दे दी है, हमने तो हड़ताल पर जाना ही जाना है। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघ्न डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा। वहीं अनिल विज ने कहा कि सारे प्रदेश में धरना प्रदर्शन रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव भी हैं, वहां पर भी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है और कोरोना तो सारे देश में है, इसलिए हमने भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाए हैं। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सारे प्रदेश में कहीं पर भी कोई रैली प्रदर्शन धरना नहीं कर सकता। आप देखिए कि चुनाव आयोग ने भी जिस प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी ये प्रतिबंध लगाए हैं। और कोरोना तो सारे देश में है, इसलिए यहाँ पर भी हमें वो प्रतिबंध हमने लगाए हैं। साहब, ये जो 1 जनवरी से आपके आदेश थे कि जहाँ तक 2 डोज नहीं लगी सार्वजनिक स्थलों पे नहीं जाने दिया जाएगा, हम मुख्यालय की बात ही करें, जैसे हम लोग भी आए हैं, कोई पूछता नहीं है कि आपकी 2 डोज लगी या नहीं लगी है। ये मिनी सेक्रेटेरिएट है, चंडीगढ़ में जितने भी हरियाणा के कार्यालय हैं, तो देखने में लगता रहा है, क्या यहाँ पे ये आदेश लागू नहीं है? नहीं, चंडीगढ़ में मुझको नहीं मालूम कि चंडीगढ़ में उन्होंने ये आदेश दिए रखे नहीं दिए रखे। अलबत्ता हरियाणा में इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है और कल भी मैंने जो एसपीज और तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ वीसी की है, उसमें मैंने उनको कहा कि इसका सख्ती से पालन कराएं। दिल्ली में बढ़ाई गई पाबंदियों को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में इसलिए पाबंदियां लगाई हैं क्योंकि उन्होंने 5 चुनावी राज्यों में घूमना है, उनके पास दिल्ली का काम करने का समय नहीं है। उन्होंने केजरीवाल पर प्रहार करते हुए कहा कि केजरीवाल की एक आदत बन गई है जो ऑन रिकॉर्ड है, वह अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को दोषी ठहराते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जो तो हम महसूस कर रहे हैं, जैसी जैसी आवश्यकता है वैसी वैसी हम पाबंदियाँ लगाते जा रहे हैं। केजरीवाल ने तो इसलिए लगाई है कि उसने 5 स्टेटों में घूमना जा गया,
उसके पास टाइम ही नहीं है दिल्ली का काम करने के लिए। और केजरीवाल की एक आदत बन गई जो ऑन रिकॉर्ड है कि वो अपनी कमियों के लिए दूसरों लोगों को दोषी ठहराना उनकी आदत है। आप अपना देखिए, आप बंद कर दीजिए दिल्ली को, आने जाने के रास्ते बंद कर दीजिए। आप इस तरह से इस लड़ाई को सांझे तौर पर लड़ने की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि देश का हर आम आदमी भाजपा व नरेंद्र मोदी को चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। अभी 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, कैसे देखते हैं आपकी अब क्या रहने वाला है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पंजाब आपका बिल्कुल निकटतम राज्य है, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। देखिए, आज देश का हर आदमी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। पहले हमारे देश में भावनाओं की राजनीति होती थी, कभी गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, कभी किसी की मां मर गई इसलिए वोट डाल दो। लेकिन अब केवल और केवल विकास की राजनीति की जाती है। और इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, अब हिंदुस्तान का हर शख्स विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है, और वो नरेंद्र मोदी जी आज केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए किस प्रदेश में कौन क्या कह रहा हम उस पर नहीं जाते, प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें भरोसा है कि जब मतदाता मत पेटी पर जाएगा, जब वो बटन दबाने के लिए जाएगा, तो वो भाजपा को वोट पाएगा।